जब आप लोगों की पोल खोलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के तो बाहर मिल मुझको स्टूडियो के, ये सब जो पास सवाल पूछे तूने रजत बाहर आके मिले मुझको। एक शख्स झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो और हमें ये भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाए। मेरा जवाब ये था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे, और मैंने उसे कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बम लगाने की धमकी दो या मुझे मारने की धमकी दो, मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसे ही करता रहूँगा, ऐसे ही सवाल पूछता रहूँगा और मैं किसी धमकी में किसी डर नहीं। अजय साहब ऐसा झगड़ा वगड़ा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। दो बातें, पहली बात तो जीवन उतना ही नहीं है कि पढ़ाई की नौकरी की फिर खत्म हो गए। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा था, हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। अहबाब का मतलब मित्र दोस्त, कि हे दोस्त मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कर दिया कमाल, कार्य नुमाया मतलब नुमाइश करने वाला काम, दुनिया को दिखाने वाला काम। हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि बीए हुए नौकरी की पेंशन ली और मर गए, तो झगड़ा करते रहे कि ओल्ड पेंशन की न्यू पेंशन, जिंदगी सिर्फ इतनी छोड़ते हैं, कुछ तो उसके बियॉन्ड होनी चाहिए ना। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो, अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं आपके समय को गलत ठहराए, उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी का अच्छा है। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई आप निजी तौर पर बड़े दुखी, बहुत ज्यादा। उस समय आपके ऊपर क्या बीती थी जब सुशांत जैसा एक प्रतिभाशाली फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का शायद सामना नहीं कर पाया? देखिए इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही और जब आप ऊपर बढ़ते हैं पॉलिटिक्स जो है वो और घिनौनी होती चली जाती है। मैं चूंकि जिद्दी और मोटी चमड़ी वाला आदमी, मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ, आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। सुशांत ऐसा नहीं था, जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर। मनोज बाजपेयी अगर आपको बनना है तो यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचादानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए। जिसका सपना ही स्टार बनना रहा हो, मेरा नहीं था, उसको था, उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था, बहुत ही पवित्र आत्मा था सुशांत। ऑनलाइन पढ़ाई से मेरा ख्याल है कि ये राहत तो मिल जाती है कि हमें क्लासेस उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी केवल क्लासेस से हो पाई बहुत आसान नहीं है। ये बहुत रेयर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो केवल क्लासेस की बदौलत खुद बहुत मेहनत करके रास्ता बना लेगा, बना सकते हैं, बहुत आसान नहीं है। ऐसी जब कंप्यूटर्स आए तो लोग डरे जो मैनुअली काम करते थे कि अब कंप्यूटर्स आ गए अब सबकी जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंप्यूटर्स आने के बाद में जॉब और बढ़ गई। तो सबको क्या लग रहा है इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है? इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है, यानी कि जब मशीन्स आई कंप्यूटर्स आए तो क्या हुआ कि वो लोग जो मैनुअली काम करते थे उन्होंने एक स्किल एक्वायर करी उस मशीन को ऑपरेट करने की या कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, और जॉब्स बढ़ गई। इस बार क्या हो रहा है, जो मशीन्स है वो मशीन्स ऐसी नहीं है कि जिसको ऑपरेट करने के लिए आपकी जरूरत, करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब जाने वाली है फ्यूचर में। रोना है ना जिंदगी में, भगवान के आगे रो लेना, किसी के आगे नहीं रोना, फूट फूट के रो लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं है। और सारे लोगों को ये लगता है जब भी मैं उनसे डिस्कस करता हूँ वो ये कहते हैं कि एआई को हमने ही तो बनाया है, तो एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बाप ने बेटे को पैदा किया, क्या वो बेटा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता?